हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AM क्रिएटिविटी DIY। आज फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप सामान देखकर अंदाज़ा लगाइए कि मैं आज बनाने क्या वाली हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक पॉलीथीन है जो कि सामान के साथ में आई थी, सभी के साथ आती है, और मैंने इसमें मार्बल्स रखे हैं जो आपने बचपन में अपने ज़रूर खेले होंगे। तो मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, ये उन्हीं में से एक हैं। आपके पास भी तो हों तो उनका यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और इनको इस पॉलीथीन बैग के अंदर हमें बांधना है। याद रखिए कि एक पॉलीथीन के एक साइड पे बांधेंगे, दूसरा दूसरी साइड पे, और नज़दीक नज़दीक ही बांधना है। इस तरह से बांधें कि जो ये मार्बल्स हैं उनके और दूसरे मार्बल के बीच में गैप नहीं रहे। यही एक इसमें सीक्रेट बात है जो हमें इसको बांधते वक्त में ज़रूर ध्यान रखनी है। यदि लूज़ पड़ जाएगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। टाइट बांधना है और धागे से कंटिन्यू आप बांधते जाइए एक के बाद एक। आप देखेंगे कि वहाँ पर एक गुच्छा बनता जा रहा है, एक बंच बन जाएगा, और अब आप शायद देख देख के समझ ही गए होंगे कि मैं इसको क्या बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पर यदि आपके पास मार्बल आज नहीं है, आपके पास नहीं पड़े हैं, तो फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है। सिल्वर फॉयल तो होगा, उसको ले लीजिए। वो भी नहीं है तो टिश्यू पेपर्स के गोल बना लीजिए, हाथ में अच्छे से घुमाते जाइए तो वो रोल बन जाते हैं। हार्ड बनाइए, सर्कल सर्कल बना लीजिए। यहाँ तक कि अगर हमारे बच्चों के जो टिफ़िन होते हैं वहाँ से जो सिल्वर फॉयल बच जाता है उसका भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं का यूज़ करके देखा, तो आप भी ऐसे ही यूज़ कीजिए इनको। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे DIYs हैं, उन पर जाकर विज़िट कीजिए, आपको पसंद आएंगे, उनमें लाइक कीजिए। आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है या फिर किस तरीके का काम आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। और ये देखिए, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं इससे क्या बना रही हूँ। ये धीरे धीरे वजन में थोड़ा सा बढ़ता जाता है क्योंकि मार्बल थे तो हैवी है, बट मेरे पास थोड़े कम थे तो मैंने ये सिल्वर फॉयल्स की जो बॉल्स बनाई वो ऊपर लगानी शुरू कर दी। अब देखिए, ये मेरा एक अंगूर का गुच्छा बनता हुआ जा रहा है, ये बनते हुए तैयार हो रहा है, और जो पॉलीथीन है वो भी अब ऊपर से ख़त्म हो गया है। तो गांठ लगाते जाइए, नॉट लगा दीजिए धागे से, और उसी पर धागा लपेट दीजिए, थोड़ा ऊंचा करके लंबे एक लट की तरह लपेटते जाइए। तो अब हमें इसको हैंग करना है। एक आप वुडन का बंच भी ले सकते हैं, जैसे मतलब एक कहीं वुडन पे भी लटका सकते हैं, बट मैं मुझे ये एक स्पेशल जगह पर लटकाने के लिए बनाना है, हैंग करना है, तो मैंने इसके लिए डोरी ली है, और उस डोरी को भी मैं धागे से बांध दे रही हूँ मज़बूती से। ये देखिए, इसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसके बाद इसमें जब ये गांठ भी बहुत अच्छी से कई सारी लगा दीजिए। ये जो हमारे फ्लावर होते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर, ये वही है, तो मैंने उसमें से एक लीव्स का एक पत्ता निकाल लिया और इसमें हैंग कर दिया है। अच्छे से इसको भी बांध देंगे पहले, या फिर चिपका दीजिए, नहीं बांधना है तो। चिपकने के बाद भी ये अच्छे से करता है। और ये मेरे पास ग्रीन टेप पड़ा हुआ था जो कि हम फ्लावर्स की जो डंडियां होती हैं, वायर होता है, उसको कवर अप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ से पॉलीथीन बैग निकाल दिया है, अब इसको कवर कर देंगे, और देखिए धीरे 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 हमारी आइटम बनती हुई तैयार हो जा रही है। ये मैंने ग्रेप्स का एक गुच्छा सा बनाया है, आप मुझे बताइए ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। मुझे इवन बहुत पसंद आया। और ये देखिए, मैंने इसको किस स्पेशल जगह के लिए बनाया है, अब आप मुझे ये मैसेज करके बताइएगा कि आपको ये समझ आई कि मैंने कहाँ के लिए बनाया है।
और आपको ये कैसा लगा, ये मेरा DIY एक बचपन को याद करते हुए कैसा है वो मुझे ज़रूर बताइए। ये मेरा दूसरा DIY है, ये एक मस्ती मजाक वाला है क्योंकि ये अभी करंट में बहुत फेमस है तो सोचा इसको मैं भी ट्राई करूं। ये नैनो टेप है जो सिर्फ खेल के लिए है, कोई परमानेंट नहीं बना रहे हम इसको, थोड़ी देर खेलने के लिए या जस्ट एक आर्टिकल है। ये हमने इसके अंदर कुछ मोती रखे और इसके बाहर का जो पॉलिथीन होता है वो उतार दिया। अब हम इसे फुला रहे हैं। स्ट्रॉ लगाने के बाद अब ये अपने आप से चिपक भी जाता है, बस आप बंद करते चले जाइए तो आराम से बंद हो जाता है नीचे से। ये मैंने एक ट्राई करके देखा था, ये बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ था तो मुझे भी मन आया कि मैं भी बनाऊं, तो इसको एक ट्राई किया। अभी इसको एक को रखते हैं, अभी दूसरा बनाते हैं क्योंकि इससे कुछ नया करना था। ये देखिए मेरे पास मार्बल जो थे ना उन्हीं को मैंने इसे एक स्टैंड टाइप बना दिया। अभी एक और लेते हैं, उसमें कुछ नया दिखाएंगे। जैसे बच्चे कहते हैं ना कुछ तो उन्हें भी करने के लिए चाहिए, तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है। जो बच्चे अभी फ्री हैं वो ऐसा कुछ बना बना कर खेले और देखिएगा अभी ये कितना सुंदर बनता है। मुझे पसंद आया था, आपको भी आएगा। जो बच्चे हैं इसको बहुत इंजॉय करते हैं। इवन हम इसे सजा कर भी रख सकते हैं, हाँ ये परमानेंट नहीं होता है। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए, ये अंदर बॉल्स खिलती हैं जब हम इसमें हवा भरते हैं। ये देखिए एक के ऊपर मैंने एक को हैंग कर दिया और ये खेलने का टैडी सा बन गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए, जो भी आपको पसंद आया शेयर कीजिए। थैंक यू।